यार मैं सुधर गया अभी थोड़ा सा, लेकिन शुरू करते हैं। जोगिता ने क्या इंट्रो दिया यार। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर होस्ट प्लीज। क्या इंट्रो दिया इन हाउस स्टैंड अप कॉमेडियन। मैं बताता हूँ इवेंट साल ने मेरे को आइडिया कैसे पिच किया था। ठीक है, ऐसे सम रैंडम डे रोहन कम्स टू मी, सुन लो एक्चुअली ना अपना एक बैंड परफॉर्म करने वाला है PFF में, तो तू मतलब, अरे नहीं यार मैं इतना अच्छा थोड़ी गाता हूँ यार, मतलब मैं डांस भी करूँ कॉमेडी भी करूँ एक ही चुंदा हर चीज़ कितनी बार करेगा यार। नहीं 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 तू टेंशन मत ले। एक्चुअली क्या है ना, तेरे जो कॉयर का परफॉर्मेंस है ना उसके पहले 10 मिनट सेटअप होगा कॉयर का, तो उसके लिए अच्छा कुर्सी उठानी है। हाँ ठीक है उठा दूंगा यार, उसमें क्या। नहीं 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 यार तू क्यों टेंशन ले रहा है। एक्चुअली तूने MIW में 2-3 चुटकुले सुनाए थे ना ऐसे स्टेज पे आके, सुना देगा फिर से प्लीज 2-3। हमारे पास फिलर इवेंट है नहीं ऐसे। सॉरी एक्सपोजिंग, लेकिन हाँ तो ठीक है सुना देता हूँ 2-3 चुटकुले। इजी तो है लिखना, 2 दिन में लिख दूंगा सुना दूंगा। खराब किया नाम मेरे ऊपर। लेकिन यू नो आई वॉज गेटिंग फ्लैश बैक्स ऑफ माई डैड सेइंग टू मी, चलो 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 बेटा अंकल को नाच के दिखाओ, नाचो नाचो नाच के दिखाओ नाच के दिखाओ। मैन सीरियसली थोड़ी तो, अरे वहाँ स्टैंड आ गया, स्टैंड आ गया, छोड़ो नहीं होनी चाहिए। ठीक है तो आई वॉजंट कन्विंस्ड इनफ, देन आई वॉज लाइक ठीक है चलो चलते हैं, भारती मैम आने वाली है ना, उनको जोक सुनाएंगे। कहा है वैसे, ओह शिट भारती मैम कहा है, चली गई यार। मैं उनसे बात करने वाला था कि कॉमेडी वॉमेडी अच्छी लगी, थोड़ा इंटर्नशिप दिलवा दो, साइकोलॉजी में वैसे ही पैसे भरने पड़ते हैं ना इंटर्नशिप के। पर ठीक है चलो कुछ नहीं कुछ नहीं, अब टॉपिक पे आते हैं। साइक फिल्म फेस्टिवल पे है हम। हाँ साइक फिल्म तो जो हमारा है प्यारा सा बॉलीवुड, जिसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइकोलॉजी बहुत ही जबरदस्त है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ ठीक है, तो 2007 में ना एक मूवी आई थी, ठीक है हॉरर थी, हॉरर नाम याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड। हाँ हाँ जब वी मेट आई थी। अरे नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, दैट इज जस्ट हॉरर फॉर इंट्रोवर्ट्स। लेकिन उस सॉरी सॉरी ये नहीं थी, तारे जमीन पर थी, तारे जमीन पर। नहीं सॉरी 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 यार मैं क्या कर रहा हूँ, तारे जमीन पर तो मेरे मॉम डैड ने यूज की थी एज हॉरर। बेटा पालक खा लो वरना हॉस्टल भेज देंगे तुम्हें हम, कम ऑन यार क्या कर रहे हो। पर ठीक है चलो टाइम मुद्दे पे आते हैं। मूवी थी हॉरर 2007 की, उसमें था कास्ट किया था उन्होंने अक्षय कुमार को, तो उन्होंने बोला अब अक्षय कुमार है या तो मूवी में पेट्रियोटिज्म डालना पड़ेगा या कॉमेडी है ना। अब पेट्रियोटिक हॉरर, ओके पेट्रियोटिक हॉरर साउंड्स वेरी वियर्ड एज अ जॉनर, नो वेरी क्लियर बट पेट्रियोटिक हॉरर वेरी वियर्ड। सो देयर लाइक चलो पेट्रियोटिक हॉरर तो नहीं कॉमेडी हॉरर करते हैं। हाँ कॉमेडी हॉरर, तो उन्होंने बोला अब बॉलीवुड का क्या सीन है, कॉमेडी करनी है, कॉमेडी करनी है, किसी का मजाक उड़ाना है। ठीक है अब मजाक किसका उड़ाए, तो सारे राइटर्स आके इकट्ठा हो गए कि चलो 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 किसका मजाक उड़ाना है, डिसाइड करते हैं कॉमेडी हॉरर है, हॉरर हॉरर में कौन से कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो चलो आज हम मजाक उड़ाते हैं। एक था बेचारा इंटर्न सुभाष, वो बेचारे को पूछा कि अब तुम बताओ बेटा किसका मजाक उड़ाए, तो उसने कहा सर भूत भूत होते हैं हॉरर मूवी, भूत का मजाक उड़ा सकते हैं। अरे यार सुभाष भूत का मजाक उड़ाओगे तो तुम्हें प्रोडक्शन हाउस बंद करवाना है, भूत सेंटा क्लॉस से भी ज्यादा रियल चीज है, कोई ऐसी चीज बताओ, कोई ऐसी चीज बताओ जो नॉन एग्जिस्टेंट है इंडिया में 2007 में है ना। सर सर मेंटल इलनेस का मजाक उड़ा सर, ये क्या सर एग्जैक्टली आपको पता भी नहीं क्या होता है सर, सर ये होता है ना पागल पागल, ओ पागल लोग हाँ उनका मजाक उड़ा सकते हैं ऑफकोर्स उनका मजाक उड़ाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो मोंजुले का थी भूतनी उसको एंड में, अरे सॉरी सॉरी उसको एंड में उन्होंने दे दिया DID, ठीक है एंड पेरेंट्स नहीं नहीं DID इज नॉट डांस इंडिया डांस, वो अलग बीमारी है। लेकिन लेकिन क्या हुआ, उन्होंने उसको दे दिया DID। अब DID क्या होता है पेरेंट्स, इट इज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ओके मैं बहुत पढ़ता हूँ, तो क्या होता है ना कि एक, अरे यार तक्ष थैंक यू, तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि एक इंसान की मल्टीपल आइडेंटिटीज बन जाती है एंड उनका यू आर नॉट श्योर एट रैंडम मोमेंट्स दे माइट स्टार्ट बीइंग अ एंटायरली डिफरेंट पर्सन, एंटायरली डिफरेंट आइडेंटिटी पर्सनैलिटी। दोज ऑफ यू हु
still don't understand. It is like Arnab Goswami before and after 2014. ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो जिसको समझा वो हंस लो। तो अब मेरी मूवी से प्रॉब्लम ये है कि ठीक है यार तुम बनाओ, लेकिन मुझे क्यों ट्रॉमा दे रहे हो, है ना मंजुलिका का। अब बिकॉज ऑफ योर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइकोलॉजी इन मूवीज, आई एम गोइंग टू थेरेपी फॉर माई फोबिया ऑफ भरतनाट्यम। मुझे बहुत डर लगता है, बस मैं एक बार सुन लू ना अभी जो तुम्हारा, मैं तो मतलब गाइस गाइस मत करो यार, क्यों मजाक उड़ा रहे हो मेरा, इट इज सीरियस। लेकिन ठीक है चलो, थेरेपी की बात कर ही रहे हैं तो बहुत कॉमेडी कर रहे हैं, थोड़ा साइको एजुकेशन कर लेते हैं ठीक है। पेरेंट्स कभी भी अगर आपको लगे आपको थेरेपी जाना है, जो भी है नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट उनको मैं बताता हूँ, थेरेपी जाना है ना तो तीन चीजें टिक करना बहुत जरूरी है आपके थेरेपिस्ट में। पहली कि वो एम्पथेटिक होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, क्वालिफाइड, एम्पैथी बिना क्वालिफिकेशन के तो दोस्त भी दे सकता है ना। एंड तीसरा इज दैट योर थेरेपिस्ट शुडंट बी शाहरुख खान, नहीं तो आलिया के साथ क्या हुआ था हमें तो पता ही है ना। और आई मीन कैन वी रियली ब्लेम आलिया गाइस, इट वाज शाहरुख खान, या ऐसा के फैंस नहीं हो रहे। हाँ ये तुम्हारे चेयर के लिए किया था, मुझे शाहरुख खान से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अरे मयूरी, लेकिन ठीक है हो गया। अब अक्षय कुमार पे वापस आते हैं, उसने और एक मूवी की थी वैसे, जॉनर कोई गेस करेगा, जॉनर नहीं, पेट्रियोटिक पे जोक नहीं कर सकते गाइस, निकाल देंगे मुझे, कोई और जॉनर दूसरा, कॉमेडी, कॉमेडी, यस यस, कोई तो होशियार, कोई तो सुन रहा है मेरी बात ना यहाँ पे, कॉमेडी की थी एंड मूवी का नाम था हाउसफुल थ्री। इस मूवी के तीन पार्ट कौन आने दे रहा यार, लेकिन ठीक है चलो। हाँ नहीं मैं तीसरी वाली की बात कर रहा हूँ ना, तुम क्यों कॉमेडी कर रहे हो, रुक जाओ ठीक है चलो। हाउसफुल थ्री आई थी गाइस, उसमें ट्विस्ट है, ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये नहीं है कि साइकोलॉजी अच्छे से दिखाई है, ट्विस्ट ये है कि इस बार अक्षय कुमार खुद डीआईडी लेके आ गया। खुद उसने बोला अब मुझे तो बीमारी। एंड चीज ये हुई, अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ उसमें कैसे विद्या बालन बिकम्स मंजुलिका बिकॉज ऑफ हर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। यहाँ पे ही हिज नॉर्मल पर्सनैलिटी इज सैंडी, ओके, एंड ही टर्न्स इनटू सुंडी, या एंड सुंडी इज दिस इविल ऑल्टर ईगो एंड इम्पेकेबल राइटिंग बाय द वे, सैंडी सुंडी मैं तो सोच ही नहीं सकता है। लेकिन दे आर लाइक ओके, सैंडी बिकम्स सुंडी व्हेन ही हियर्स द वर्ड इंडियन, वो उसका ट्रिगर है, उसने इंडियन सुना तो वो सुंडी बन जाएगा। अक्षय कुमार के लिए भी रियल लाइफ में सिमिलर ही है, बस उसके लिए वो वर्ड है कनेडियन। जी हाँ, ये भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन अब तुम समझ जाओ कि वो पेट्रियोटिक मूवीज क्यों बनाते हैं ठीक है। लेकिन ठीक है चलो कोई नहीं, अब इट गेट्स मोर अब्सर्ड फ्रॉम हियर। ओके, इन हाउसफुल थ्री साइड कैरेक्टर्स जो है रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन, they try to mitigate him, like they try to get him from Sundi back to Sandy by saying words they think are opposite to Indian. क्या दिमाग लगाया है ना, and I'm not, this is not my writing, ये तुम YouTube पे देख लो भले, सच है, they are for real going this way, okay? Pakistani, Iraqi, Afghanistani, they think that will get him back to his normal ego. Geography वाला चल रहा है, क्या मतलब करना क्या चाहता है, और ठीक है यार, आई फील लाइक अक्षय कुमार को बहुत बोल दिया ना, लेट्स मूव ऑन टू एन एक्ट्रेस ठीक है, कोई सजेशन है किसी के पास? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे सजेशन ले रहा होता तो मैं स्क्रिप्ट क्यों लिख के आता ना, है ना ठीक है, दीपिका पादुकोण, ओके, सो दीपिका पादुकोण द सेवियर ऑफ द मेल प्रोटैगनिस्ट, यस, ये जवानी है दीवानी में हीरो को तोड़ना है, उड़ना है, गिरना भी है, लेकिन उसने उसको क्या बोला, सुन तो रुक जा। फिर तमाशा में हीरो रुका हुआ है, परेशान है, उसको कहते चलो चलो दौड़ने लगो अपने सपनों की तरफ, दौड़ने लगो, नाउ 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 द थर्ड वन इज द क्रेजीएस्ट, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में, यस एग्जैक्टली, उसमें जब बंदा साइकोटिक सिम्टम दिखाना शुरू ही कर रहा है कि हीरोइन ही भाग गई, भाग ही गई, एंड ये बॉलीवुड है गाइस, हीरोइन को जाने थोड़ी दे सकता है। तो थेरेपिस्ट ने उसको कॉल किया कि सुन बहन, सुन मेरी बात, ये बॉलीवुड है, यहां पर
हीरो को सिर्फ तू ही सेव कर सकती है, मेरा काम तो सिर्फ डायग्नोसिस देना है ना. एंड यू नो दैट्स द थिंग. एंड देन सो दीपिका को वो बुला लेती है वापस. एंड आई कैन फॉर रियल इमेजिन दिस गोइंग ऑन ओके इन फरहान थेरेपी सेशन. उसको डॉक्टर बोल रहा है सुनो बेटा फरहान, दो क्रोसिन ले लो और एक दीपिका, बाकी तो तुम फिट हो. बाकी तो तुम फिट हो, तुम टेंशन मत लो, तुम एकदम ठीक हो. ठीक है, ये होता है. बट गाइज हियर्स माय प्रॉब्लम, ओके दिस इज व्हाट माय प्रॉब्लम इज. मेरी थेरेपिस्ट, माय थेरेपिस्ट इज नॉट रेडी to call my ex, to call her back. now, okay, here's, our relationship was good, we were like, everything was going fine, and suddenly I started doing something, and she just left me, and we broke up. It was all going okay, and I just started. रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूथ जो सारा सेटअप बनाया था बैंड वालों ने, मैंने बिगाड़ दिया तो शायद और 10 मिनट लग जाए. बट सॉरी द कॉमेडी एंड्स हियर अनफॉर्चुनेटली, बट आई हैव समथिंग टू से. सिंस टुडे इज वुमेन्स डे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमन इन माई लाइफ, माई मदर इज प्रेजेंट हियर. ऑल ऑफ दिस दैट आई एम डूइंग इज बिकॉज उन्होंने बचपन में मुझसे काफ़ी सारी चीज़ें करवाई थी स्कूल में ज़बरदस्ती, तो अब मैं स्टेज पे आके जोक मार सकता हूँ. सो थैंक्स टू दैट.